तो यार अगर आप एनिमेशन करते हो, 3D एनिमेशन करते हो, माया जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, या फिर भाई आप ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो इतना तो यार बनता है, स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन रॉबिनॉस द, वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पर। चैनल पर नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। अभी स्टार्ट करते हैं भाई। मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2,00,000 का, इस प्राइस रेंज की बात करेंगे। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी वीडियो की, अगर आपका बजट 90,000 से कम है उस वीडियो को आप देख लेना, आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 तक है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 तक हो जाता है इस प्राइस रेंज में, यार मैंने 3 लैपटॉप को रखा है, तीनों लैपटॉप आपको पूरे लोडेड मिलने वाले। अगर आपने 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना, आप नॉर्मली स्मूथली कर सकोगे। प्लस भाई अगर आपने लॉन्ग टाइम लैपटॉप को रखना है, आप काम कर सकोगे, रख सकोगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम इश्यू नहीं आने वाला, ठीक है। मैं बात करता हूँ सीधा नंबर 3 की। नंबर 3 पर यार मैंने रखा है असूस रॉग से ट्रिक्स को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, आपको 40 डिजाइन तो मिल ही जाता है, उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी पूरा लूटेड आपको 16GB रैम मिल जाएगी, 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, उसके साथ साथ इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी होने वाली है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगी, ठीक है, जो कि सच में प्लस पॉइंट आ जाते हैं। तो भाई अगर आपने जाना है असूस रॉग से ट्रिक्स की, और आप जा सकते हो, अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली मैं आपको बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बात तो 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात तो आपको i5 भी देखने को मिल जाएगा, आपको i7 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो 90,000 के वेरिएंट में देखने को मिलेगा वो आपको i7 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात तो आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको GTX 1650 Ti देखने को मिलेगा 4GB के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात तो विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 7 to 8 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस आपको 85,000 से लेके 95,000 के बजट में असूस रॉग से ट्रिक्स G15 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको इस लैपटॉप के बता दिया, अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने सिर्फ चेकआउट करना है तो भाई चेकआउट करने के पैसे नहीं लगते, दिल खोल के आप देख सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है असूस रॉग ज़ेब्रस G14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंड सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला लैपटॉप है, बिकॉज आपको एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, डुअल फैन मिल जाते हैं, प्लस आपको बैक साइड में LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो भाई अगर आपको स्पेसिफिकेशन तो तगड़े चाहिए चाहिए, उसके साथ साथ भाई अगर आपको स्टाइल डिज़ाइन वगैरह भी मैटर करता है ना, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ इसको आप चेकआउट कर लेना। इसके मॉडल नंबर बहुत देखने को मिलेंगे, आपको 8GB भी मिल जाएगा, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, ठीक है। स्टोरेज आपको 1TB भी मिल जाएगी, 512GB भी मिल जाएगी, मतलब जितना आप पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर आप इसकी और भी चल जाते हो, आप अगर एनिमेशन करते हो, 3D एनिमेशन करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, गेमिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, आप सभी के लिए ये लैपटॉप बेस्ट डील हो सकती है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को AMD Ryzen 5 देखने को मिलता है 4600HS के साथ। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो 32GB तक, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको NVIDIA GeForce GTX भी मिल जाएगा, RTX भी मिल जाएगा, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बातों को 10 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, 90,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको असूस रॉग ज़ेब्रस के भी बता दिया, अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर यार मैंने रखा है एसर कॉन्सेप्ट डी को। तो भाई अगर आप एनिमेशन करते हो, 3D एनिमेशन करते हो, आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिलनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर 1 पर रखा। अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 है, इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा, आपको 4K डिस्प्ले मिल जाती है, स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा सही है, प्लस ये वाइट कलर में देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सूट करता है इसको कलर। तो भाई अगर आपने जाना है एसर कॉन्सेप्ट डी की, और आप इसकी और भी जा सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको बहुत पसंद आने वाला है।
तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच 4K UHD मॉनिटर अल्ट्रा HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करें आपको i5 8th जनरेशन के साथ मिलता है, i5 भी मिल जाएगा, i7 भी मिल जाएगा। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप 32GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड की बातों को AMD Radeon RX Vega 4GB मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को 7 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं आपको 85,000 से लेके आपको 1,00,000 के बजट में एसर कॉन्सेप्ट डी ये स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया एसर कॉन्सेप्ट डी के भी, अभी आपने देखना है इन तीनों में से अगर आपने कोई भी लेना आप ले सकते हो। मैंने सभी के लिंक प्रोवाइड किए हुए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, उसको चेकआउट कर लेना। अगर आप कोई भी लेना चाहते हो तो भाई आप ले सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,30,000 तक भी हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,30,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, यार मैंने फिर से 3 लैपटॉप को रखा है, ये 3 लैपटॉप भी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। सीधी बात करते हैं नंबर थ्री पर, यार मैंने रखा है Asus ZenBook Duo को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि सेकंड डिस्प्ले है ना वो आपको टच स्क्रीन के साथ देखने को मिलती है। इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपको एनिमेशन के लिए चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए चाहिए, कार्टून ड्रॉ करते हो, उसके बाद प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लैपटॉप बना ही क्रिएटर्स के लिए, तो भाई अगर आप एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। प्लस आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टाइम पीरियड रख सकते हो, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है। सेकंड डिस्प्ले की बात करूँ को 12.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले ये भी मिल जाती है। प्लस ये टच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बातों को NVIDIA GeForce MX250 देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बातों को 10 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप। प्राइस की बात करूं आपको 1,25,000 के बजट में ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको Asus लैपटॉप के भी बता दिए, ज़्यादा समय खराब नहीं करने वाला। आगे बात करते हैं नंबर टू पर, यार मैंने रखी है Microsoft Surface 3 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं तो भाई अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए, प्लस भाई अगर आपको 2-in-1 लैपटॉप चाहिए, आपके लिए ये लैपटॉप भी परफेक्ट डील हो सकता है। इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे आते हैं, उसके बाद इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाएंगे। अगर आपने 8GB रैम की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपने 16GB रैम की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपको 32GB रैम चाहिए आपको वो भी मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड में भी आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। अगर आपने 1650 की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपने 1660 Ti की ओर जाना आपको वो भी मिल जाएगी। आपको इंटेल एरिस प्लस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप देख लेना जो स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए आप उसकी ओर जा सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, अपना जो रैम है ना वो 16GB रैम मिनिमम रख लेना एंड 4GB ग्राफिक कार्ड मिनिमम रख लेना। जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, मतलब जितने भी मैं आपको लैपटॉप बता रहा हूँ वो सभी लोडेड हैं। यार अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़े से डीपली मैं आपको बता देता हूँ। यार डिस्प्ले की बातों को 13.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि टच डिस्प्ले में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपको 13 इंच भी मिल जाएगी, इसमें आपको 15 इंच भी देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर की बात करूं आपको i7 भी मिल जाएगा, i5 भी देखने को मिल जाएगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बातों को 8GB भी मिल जाएगा, 16GB भी मिल जाएगा, 32GB भी मिल जाएगा। ऐसे ही स्टोरेज आपको 128 भी मिल जाएगा, 512 भी मिल जाएगा, 1TB तक भी आपको देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको इंटेल एरिस प्लस भी मिल जाएगा, मैं आपको पहले रिपीट कर ही दिया, ठीक है, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को 11 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूं आपको 90,000 से लेके इसका प्राइस तो यार सच बताऊं तो 2,00,000 तक भी चल जाता है, मतलब जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Microsoft Surface Book 3 के भी। तो भाई अगर आप एज अ प्रोफेशनल काम करते हो ना, सच बताऊंगा इसका डिज़ाइन, इसकी लुक वगैरह सच में बहुत ज़्यादा सही है। प्लस इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते जाएंगे। सच में बहुत ज़्यादा लुक इसका बहुत अपर है, अगर आपको लुक डिज़ाइन मैटर करता है आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 1 की।
नंबर वन की बात करूँ या नंबर वन पर मैंने रखा है HP Spectre X360 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, बहुत इंटरनेशनल क्रिएटर्स इसको पसंद करते हैं। अगर आपने एनिमेशन करनी है, कार्टून ड्रॉ करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, प्लस भाई अगर आप एज अ आर्किटेक्चर काम करते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो आपके लिए भी परफेक्ट डील हो सकती है। प्लस इसके साथ आपको पेन देखने को मिलेगा जिसके साथ आप इस लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो। इसका जो ट्रैक पैड है वो बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप डाटा एंट्री करते हो आपके लिए भी बेस्ट डील हो सकता है। प्लस आपको टच पैड भी बहुत सही मिलेगा। अगर आपने लॉन्ग टाइम पीरियड काम आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो भाई, आपके लिए ये परफेक्ट है। भी अगर आप एनिमेशन 3D एनिमेशन करते हो नॉर्मली कर सकते हो। इसके भी स्पेसिफिकेशन बहुत देखने को मिलेंगे, मतलब इसके मॉडल वगैरह बहुत आते हैं। जो भी स्पेसिफिकेशन आपके बजट में सेट बैठता है या जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच 4K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि टच स्क्रीन है, HP पेन के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको GTX 1660 Ti 4GB के साथ मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं आपको थोड़ी आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बातों में आपको 1,20,000 के बजट में HP Spectre X360 देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP Spectre X360 की। अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना, आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो, ये भी पूरा लोडेड है। तो यार अभी मैंने आपको 1,10,000 से लेके 1,30,000 में जो लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप आते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। अभी बात करते हैं अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेके 2 लाख हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेके 2 लाख हो जाता है इस प्राइस रेंज में, तो भाई मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप एप्पल मैकबुक 13 की ओर जा सकते हो या एप्पल मैकबुक प्रो और जा सकते हो। ये दोनों ही बने ही क्रिएटर्स के लिए, डेवलपर के लिए। प्लस भाई अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आर्किटेक्चर हो, स्कूल में पढ़ते हो, पढ़ाते हो, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो, आपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिलेटेड काम करना, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकती है। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ जो एप्पल मैकबुक 13 है ना, वो M1 चिपसेट के साथ आते हैं, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, बहुत तगड़ा। भी अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर आज तक का यूज़ करना है आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपने 16GB रैम की और तो मिनिमम जाना है। चाहे आपने एप्पल मैकबुक प्रो लेनी है, चाहे आपने एप्पल मैकबुक 13 लेनी है, दोनों में से जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बट आपने 16GB रैम की और मिनिमम जाना ही जाना है। अभी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। मैं एप्पल मैकबुक प्रो के ही बताऊंगा, एप्पल मैकबुक 13 के नहीं बताने वाला। वो आप खुद भी देख लेना, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं एप्पल मैकबुक प्रो के मेन स्पेसिफिकेशन की। सॉरी यार जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो यार डिस्प्ले की बातों को 13 इंच रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि IPS टेक्नोलॉजी डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूं आपको 16GB रैम मिल जाती है, प्लस 1TB SSD देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको i7 भी मिल जाएगा, i5 भी मिल जाएगा, 16GB रैम भी मिल जाएगी, 32GB रैम भी मिल जाएगी। प्लस अगर आपने 64GB रैम की ओर जाना है वो भी मिल जाएगी। अगर आपने 1TB SSD की ओर जाना आपको मिल जाएगी। अगर आपने लाइक 8TB तक भी जाना है वो भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को macOS मिल जाता है। बैटरी की बात करूं आपको 7 to 8 hours का बैटरी लाभ मिल जाता है। प्राइस की बातों को 2 लाख के बजट में एप्पल मैकबुक प्रो देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिए, प्लस भाई मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, मतलब अगर आप 90,000 के बजट में असूस रॉग जेट्रैक्स भी ले लेते हो ना यार, वो भी लैपटॉप आपको बहुत सही मिल जाता है। आप लॉन्ग टाइम पीरियड उसको रख सकते हो। एंड अगर आपका बजट 2 लाख हो जाता है तो एप्पल मैकबुक प्रो तो यार सभी को पता ही है कैसी या कैसी नहीं होती, ठीक है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर सब्सक्राइब यार, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा उसको चालू करना। भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, कोई नया गैजेट्स वगैरह लेकर आएंगे, आपको बताएंगे यार। थैंक यू।